नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे ऑडियो बुक समरी सेशन में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन ऑडियो बुक समरी। यह समरी हमने ली है स्वामी रामतीर्थ की पुस्तक सदुपदेश से। तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन ऑडियो बुक समरी को। कर्म की स्वतंत्रता। कुछ लोग कहते हैं सारे कर्म ईश्वर की इच्छा से होते हैं, पर कुछ कहते हैं नहीं, यह सब मनुष्य के प्रयत्न या उसके पुरुषार्थ से होते हैं। इस संबंध में वेदांत कहता है कि यदि दूरदर्शिता पूर्वक देखा जाए तो इन दोनों बातों में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर केवल उन दृष्टिकोणों में है जो वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाती है। वेदांत लोगों से यह प्रश्न करता है कि आप ईश्वर का कौन सा स्वरूप मान बैठे हैं, या आप ईश्वर को किस स्वरूप में देखते हैं, निराकार या साकार। शरीर के स्वामी की भांति कर्ता पुरुष है या केवल अकर्ता। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो यह रहस्य अपने आप ही खुल जाएगा। मनुष्य में दो शक्तियां मौजूद होती है, एक स्वतंत्र अर्थात कर्म करने की शक्ति और दूसरी परतंत्र। अब तक यह देखना चाहिए कि मनुष्य कहां तक आजाद है और कहां तक गुलाम, कहां तक मनुष्य में स्वतंत्रता अर्थात कर्म करने का अंश है और कहां तक उसमें पराधीनता यानी पराधीनता का अंश है। जैसे रेशम के कीड़े का हाल है कि जब तक उसमें अपने भीतर से रेशम नहीं निकलता तब तक वह स्वतंत्र है और स्वेच्छाचारी कहा जा सकता है, मगर जब रेशम निकल चुका होता है तो वह फंस जाता है और वह परतंत्र कहलाता है। इसी तरह जो मनुष्य कर्म कर चुका है उसका फल भोगने के लिए वह पराधीन है, मगर जब कर्म ही नहीं किया उसके लिए वह स्वतंत्र है। धन्यवाद।